अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कैमरून जो है इनके ऊपर इन्होंने पूरी षड्यंत्र कर कॉन्स्पिरेसी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से बॉल टेम्परिंग की है। आजीवन इनके ऊपर जो है वो बंधन लगना चाहिए, उनको ये जो है बैन होना चाहिए इनके ऊपर। मुझे याद है 2007-2008 में मैं इंडियन टीम का मैनेजर था, उस समय भी सिडनी टेस्ट मैच में, आप लोग को ध्यान हो, सिडनी टेस्ट मैच में लगभग 14 निर्णय हमारे खिलाफ गए। यदि वो भी खोले जाएंगे, उस समय रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे, तब हम लोगों में नहीं कहा था, पत्रकारों के सामने हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भयंकर रूप से बेईमानी की है और वहाँ के जो दो अंपायर थे उनके ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके दबाव डला के 14 लगभग निर्णय जो है हमारे खिलाफ गए थे। और वो 14 निर्णय अगर हमको हमारे पास मिल गए, 14 से आधे भी हमको मिल गए होते, वो टेस्ट मैच हमने जीत लिया होता और सही मायने में वो जो श्रृंखला थी वो एक एक से बराबर हुई। वो एक एक से बराबर नहीं होती, बल्कि भारत जो है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला जो है 2007-2008 में जो टेस्ट श्रृंखला थी वो हम लोग जीत पाते थे। इसी प्रकार से ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं ये पहले कर चुके हैं। मुझे याद है 1980-81 में मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था इंडियन टीम के साथ। ग्रेग चैपल कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अंडर आर्म बॉलिंग कर दी थी, नीचे से ऊपर से बॉल फेंकने की जगह अंडर आर्म, न्यूजीलैंड के साथ वनडे मैच था उसमें अंडर आर्म बॉल किए थे। तो ये लोग पहले से ही कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इसको गंभीरता से लिया है, ICC ने गंभीरता से लिया है और IPL हमारी जो कमेटी है उसने भी गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो खिलाड़ी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उन सबके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आजीवन बैन हो लगना है।